हेलो दोस्तों, नासरीन इलेक्ट्रिक टेक में आपका फिर से स्वागत है। सो कैसे हम सब, ऐसा करता आप लोग अच्छे और अच्छे रहोगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक स्विच बोर्ड में कनेक्शन करना सीखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हो, इस बोर्ड के अंदर जो हमने सामान फिट किया हुआ है दोस्तों, वो हमारी एक 5-पिन सॉकेट है, 4 स्विच, 1 इंडिकेटर, 1 होल्डर और 1 फ्यूज है। आज की इस वीडियो में आपको मैं इतना सामान पे वायरिंग करना आपको मैं सिखाऊंगा। आपने YouTube पे तो काफी सारी बोर्ड वायरिंग की वीडियो देखी होगी, बट फ्रेंड्स वहाँ पे आपको जो है अच्छी तरह से नॉलेज नहीं मिलेगी। यानी कि उस वीडियो को देख के फ्रेंड्स आप जो है सिर्फ बोर्ड को वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों, अपने मन से किसी भी बोर्ड का वायरिंग नहीं कर पाएंगे। आइए आपको मैं यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन करके मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। और फ्रेंड्स इसी वीडियो में आपको मैं वायरिंग सिखा के जाने वाला हूँ। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियो जो कि आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम के बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप बोर्ड और सीट देख रहे हो दोस्तों, ये हमारी पीवीसी में दोस्तों, ये 8x10 की बोर्ड और सीट है। अगर फ्रेंड्स इस बोर्ड और सीट को आप परचेज करना चाहते हो तो सिंपली आपको जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाना है और वहाँ पे आपको बोलना है दोस्तों पीवीसी में 8x10 की बोर्ड और सीट हमें चाहिए। बड़ी आसानी से दोस्तों ये बोर्ड और सीट आपको मिल जाएगी। आइए अब वायरिंग की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आप जो सभी चीजों पे एक बार जो गौर से नजर दोहरा ले, कौन सी हमारी सामान कहाँ पे एडजस्ट है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे इस बोर्ड को मैं पलट लेता हूँ। यहाँ पे आपको जो 4 स्विच यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये क्लियर कर लेते हैं कि किसी भी बोर्ड में स्विच का इस्तेमाल आखिर हम क्यों करते हैं दोस्तों। चलिए आपको मैं बताता हूँ, किसी भी स्विच बोर्ड में स्विच का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं किसी भी अप्लायंस को यानी कि किसी भी सामान को अपने मर्जी के हिसाब से चालू और बंद करने के लिए। जब हमारी किसी चीज को ऑपरेट कराने की मर्जी होगी तो हम ऑपरेट कराएंगे, अगर हमारी ऑपरेट कराने की मन नहीं होगी दोस्तों तो यहाँ पे सिंपली हम स्विच से ऑफ कर देंगे। यही हमारी काम होती है दोस्तों स्विच की। और यहाँ पे 5-पिन सॉकेट दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो है चार्जर वगैरह टीवी वगैरह को चलाते हैं दोस्तों। हमें जो वायरिंग करनी होती है, वायरिंग करने से पहले आपको ये चीज समझ लेनी है कि कौन से सामान में हमें किस चीज की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे आप फ्यूज देख रहे हो दोस्तों, फ्यूज में हमेशा जो है दोस्तों फेस की इस्तेमाल करनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ हमारी फेस आएगी दोस्तों, इस ऊपर वाले टर्मिनल से आएगी और नीचे वाली टर्मिनल से हमारी आउट करेगी। अब आउट कैसे करेगी दोस्तों, यहाँ पे पतली वायर की मदद से दोस्तों हम यहाँ पे फ्यूज बनाते हैं, तो यहाँ पे पतली वायर की मदद से यहाँ पे आउट करेगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी इंडिकेटर आती है दोस्तों, इंडिकेटर हमारी एक तरह का बल्ब होता है, हमें इंडिकेट करता है दोस्तों कि किसी भी स्विच बोर्ड में या दोस्तों इस स्विच बोर्ड में सप्लाई है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे फेस और न्यूट्रल यानी कि दोनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप अपने घर में बल्ब को जलाते होंगे तो उसमें आपको दो वायर लगती होगी, एक हमारी न्यूट्रल होती है और एक हमारी फेस होती है। तो सेम दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर में वही कंडीशन है। यहाँ पे जो आप 5-पिन सॉकेट देख रहे हो दोस्तों, इसमें भी हमें फेस और न्यूट्रल दोनों की जरूरत पड़ती है। यानी कि एक साइड हमें यहाँ पे जो है न्यूट्रल की कनेक्ट करना पड़ता है, दूसरा साइड दोस्तों यहाँ पे हमें जो है फेस को कनेक्ट करना पड़ता है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि स्विच में दोस्तों सिर्फ फेस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोई भी एक वायर को आपको जो है कनेक्ट करना है। यानी कि नीचे से आप सप्लाई को इन कराते हैं तो हमारी ऊपर से सप्लाई हमारी आउट करेगी स्विच को दबाने पे। फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर से सप्लाई को इन कराते हैं तो स्विच के दबाने के बाद दोस्तों आपकी जो है फेस जो है यहाँ पे नीचे से आउट करेगी, यानी कि कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे काम करते हैं। आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, स्विच में हमेशा दोस्तों हमें जो फेस का इस्तेमाल करना है, सिर्फ एक वायर को। तो आइए अब हम वायरिंग करते हैं दोस्तों। वायरिंग करने के लिए यहाँ पे हम जो दो कलर की वायर लेते हैं, ब्लैक और रेड, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए दोस्तों यहाँ पे हमारी जो कनेक्शन किस तरह से हो रही है। पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है रेड वायर लेनी है और इसका इंसुलेशन हमें हटा लेनी है। और दोस्तों इस वायर को हमें ले जानी है सबसे पहला नंबर फ्यूज पे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी फ्यूज की ऊपर वाली टर्मिनल है दोस्तों, इसे हमें ढीला करके और इसे हमें जो है टाइट कर लेनी है। अब फ्रेंड्स ये हमारी यहाँ पे जो है 220 वोल्ट सप्लाई की हमारी इनपुट वायर है दोस्तों। इस वायर को आप जो है अपना मर्जी के हिसाब से जितना आपकी यहाँ पे वायर लगेगी उस हिसाब से वायर को कट कर लीजिए। पतली वायर की मदद से दोस्तों ये हमारी सप्लाई यहाँ पे आएगी और दोस्तों इसी जगह से हमारे यहाँ पे जो सभी सामान पे हमारी जो सप्लाई जाएगी। तो इस फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे हमें इस वायर को अटैच कर लेनी है। अब दोस्तों इसे हमें टाइट कर लेनी है। अभी आपको देख लेनी है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मुझे फेस की जरूरत कहाँ कहाँ पे है दोस्तों। इस इंडिकेटर में फेस और न्यूट्रल दोनों की जरूरत है, तो चलिए हम इस वायर को हम यहाँ पे अटैच करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी जो फेस की जरूरत है दोस्तों, ये सभी हमारी स्विच में, तो हम सबसे पहले दोस्तों इस वायर को ले जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर जो वायर को कनेक्ट करते हैं। इंडिकेटर के नीचे वाले हिस्से पे दोस्तों हमने इस फेस वाले वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अभी दोस्तों हमें इसे टाइट कर लेनी है। फ्रेंड्स ये जो हमारी वायर इंडिकेटर से आई है, अब फ्रेंड्स इस वायर को हमें ले जानी है सभी स्विच पे दोस्तों। यहाँ पे जो आप स्विच देख रहे हो, इस सभी स्विच में हमें यहाँ पे जो फेस की जरूरत है, इस वायर का इंसुलेशन हटा लेते हैं और यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट करते हैं। चाहे तो फ्रेंड्स इस वायर को आप जो है ऊपर वाले टर्मिनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो फ्रेंड्स आप जो है नीचे वाले टर्मिनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन आपकी सेम होगी, यानी कि सेम दोस्तों यहाँ पे वैसा ही काम करेगा। यहाँ पर मुझे सभी टर्मिनल को ढीला कर लिया। अभी दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पे जो सभी स्विच को एक साथ अटैच कर लेते हैं। मुझे स्विच में जो है फेस की कनेक्शन कर लिया है। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं कि सभी टर्मिनल को दोस्तों हम टाइट कर लेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो फेस की कनेक्शन पूरी तरह से कर लिया है। अभी फ्रेंड चलिए हम न्यूट्रल की कनेक्शन करते हैं। तो न्यूट्रल की आपको यहाँ पे जो कनेक्शन करनी है दोस्तों, इस 5 पिन सॉकेट में और इस इंडिकेटर में। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो है वायर का इंसुलेशन हटाते हैं और इस वायर को दोस्तों हमें ले जानी है एन वाले हिस्से पे। 5 पिन सॉकेट के राइट साइड में आपको जो है एन लिखा होगा दोस्तों, इस वाले टर्मिनल पे मुझे इस वायर को कनेक्ट कर लेनी है। अभी फ्रेंड्स इस वायर को ले जानी है हमें इंडिकेटर के ऊपर वाले हिस्से पे। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूट्रल की टर्मिनल है दोस्तों, इसे हमें ढीला करके और इसे हमें जो है टाइट कर लेनी है। कुछ इस तरह से पूरी तरह से कनेक्शन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारी जो स्विच बच रही है दोस्तों, इस स्विच का हम यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, यानी कि हमने इस स्विच में जो है फेस दिया। यहाँ पे हमने जो किसी भी स्विच को इस्तेमाल अभी नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पे इस स्विच से आप अगर बल्ब को जलाना चाहते हो तो बल्ब को जलाइए, यहाँ पे पंखे को चलाना चाहते हो तो पंखे को चलाइए, यहाँ पे 5 पिन सॉकेट को वर्क कराना चाहते हो 5 पिन सॉकेट को वर्क कराइए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, वायर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक रेड वायर हमें फिर से लेनी है और दोस्तों इस वायर को हमें ले जानी है इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले हिस्से पे, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस वायर को दोस्तों हमें जो एल वाले हिस्से पे कनेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे अब हमारी एक कंडीशन आती है, इस 5 पिन सॉकेट को डायरेक्ट रखना चाहते हो या फ्रेंड्स इस 5 पिन सॉकेट को स्विच के माध्यम से वर्क कराना चाहते हो। इस 5 पिन सॉकेट को हम यहाँ पे स्विच से वर्क कराएंगे। अगर आप इसे डायरेक्ट रखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमें 5 पिन सॉकेट को डायरेक्ट रखनी है, जो हमारी लाइव वायर होगी जहाँ पे फ्रेंड्स हमारी हमेशा सप्लाई होगी, उस वाले टर्मिनल पे हमें जो है इस वायर को अटैच करनी है। तो दोस्तों जो हमारी लाइव वायर दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये हमारी रेड वायर है, यानी कि ये हमारी सभी जो टर्मिनल है दोस्तों, ये हमारी हमेशा इसमें से सप्लाई होगी। दोस्तों हम स्विच को दबाएंगे जब जाके दोस्तों हमारी इस टर्मिनल से हमारी सप्लाई आउट करेगी। डायरेक्ट रखना है तो नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दीजिए, अगर आपको डायरेक्ट नहीं रखना है तो अगर स्विच से वर्क करना है, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर हमें जो है इस वायर को अटैच कर लेनी है, तो आपकी यहाँ पे ये स्विच के माध्यम से वर्क करेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो इस होल्डर की वायर बच रही है, तो इस होल्डर से हमारी 2 वायर निकल के आई है। अगर आपको यहाँ पे पंखा चलाना हो तो आपको यहाँ पे कनेक्शन सेम करना है, जिस तरह से इसकी हम कनेक्शन करेंगे। अगर आपको ट्यूबलाइट की कनेक्शन करनी है तो यहाँ पे सेम कनेक्शन होगी। बल्ब की कनेक्शन करना है, सेम आपकी यहाँ पे जो कनेक्शन होगी। तो सिंपली आपको क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें 2 वायर निकली है, यानी कि होल्डर से, पंखे से भी 2 वायर निकल के आएगी, ट्यूबलाइट से भी यहाँ पे आपको 2 वायर निकल के आएगी। को जो 1 वायर लेके दोस्तों स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हमें यहाँ पे अटैच कर लेनी है। तो चलिए हम इस वायर को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, यानी कि टर्मिनल को टाइट कर लेते हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो दूसरी वायर बच जाती है, ये हमारी न्यूट्रल वायर है। तो दोस्तों आपकी यहाँ पे जो न्यूट्रल की टर्मिनल है दोस्तों, ये हमारी ब्लैक वायर है, यानी कि एन वाला हिस्सा जो आपको मिल जाएगा दोस्तों, उस पर इस वायर को हमें जो है कनेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम इस वायर को हम ले जाते हैं एन वाले हिस्से पे। मुझे न्यूट्रल वाले हिस्से को यहाँ अपने जो कनेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो कनेक्शन पूरी तरह से हो जाती है। इस स्विच से आप यहाँ पे पंखा भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे फ्रेंड्स यहाँ पे ट्यूबलाइट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी इच्छा होगी दोस्तों, इसी तरह से आपको कनेक्शन करनी है, जिस तरह से हमने यहाँ पे अभी करके आपको बताया है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो लास्ट में वायरिंग बच रही है दोस्तों, ये हमारी अर्थ की कनेक्शन है। अगर आपके घर में अर्थ की कनेक्शन की गई होगी, अर्थिंग आपकी यहाँ पे वायर निकाली होगी ग्रीन कलर की, तो वहाँ पे इस वायर को जो है अटैच कर सकते हो। इस तरह से हमारी कनेक्शन तो हो चुकी है। आइए आपको मैं यहाँ पे ट्रायल करके दिखाता हूँ, ये हमारी शोल्डर और यहाँ पे 5 पिन सॉकेट, यहाँ पे सारा चीज़ ये वर्क कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करनी है, सबसे पहले मुझे फ्यूज बना लेनी है। उन्होंने यहाँ पे पतली वायर की मदद से बनाए, यानी कि कॉपर वायर से और पतली वायर की मदद से। जितना पतला आप यहाँ पे वायर इस्तेमाल करेंगे आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बेहतर रहेगी। सो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे फ्यूज लगा देते हैं और इस बोर्ड में सप्लाई देते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ये सामान सभी जो वर्क कर रही है कि नहीं। यहाँ पर मुझे इस स्विच बोर्ड में सप्लाई दे दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे इंडिकेटर भी ग्लो कर रही है। इस सॉकेट में हमने यहाँ पे एक बल्ब को लगा लिया और इस होल्डर में दोस्तों यहाँ पे हमने एक बल्ब को लगा लिया, देखते हैं यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे वर्क करती है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी सॉकेट की स्विच है, तो ये हमारी वर्क कर रही है पूरी तरह से। ये स्विच फ्रेंड्स हमारी होल्डर की है, तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी होल्डर हमारी यहाँ पे वर्क कर रही है। बाकी 2 स्विच हमारे यहाँ पे खाली है फ्रेंड्स, ये हमारी जो है इसमें कनेक्शन नहीं किया था, इसी वजह से ये हमारी वर्क नहीं कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर दोस्तों, ये हमारी बोर्ड यहाँ पे वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप अपने भी स्विच बोर्ड में कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग जो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि स्विच बोर्ड में कनेक्शन किस तरह से की जाती है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियो जगह आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो और किसी नए फोन के साथ। तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय बाय।